निकालना पड़ेगा और इन दोनों ये दोनों रोने वाले पक्का है। ये तो भर भर के इन्होंने कहा मैं रोऊंगी। नाम नहीं लेते हुए इसको बोलता है सुन ए सुन, तो बचपन में सुनती थी तो इसको आवाज देते हुए ए पापा की छुन ए पापा की छुन। बहुत याद है उसकी। तारीफों से नहीं तू मानने वाली तेरा तड़पना मेरे हाल पे है मुस्कुराने वाली। और उसकी उसको हर चीज है ना बहुत प्रॉपर तरीके से लगती है तो एक थोड़ा उसके हिसाब से हर चीज अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए डांस होगा वो अच्छा होना चाहिए, सारे इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से डेकोरेशंस वगैरह होना चाहिए तो ये सब उसकी पसंद है तो वो हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है कि हम अच्छे से वुमन। पापा के लिए मैं क्या बोलूं, ऐसे कि होता है ना पलकों पे बिठा के रखना है, वो असलियत में पापा ने पलकों पे बिठा के रखा।
आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांस पार्टनर्स दैट आई हैव हैड. तो मेरे लिए वो फ्लैट में हमारा बेस्ट मोमेंट्स तभी होते थे जब हम डांस करते थे और हम सिर्फ और सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट सुनते थे क्योंकि हम दोनों की प्लेलिस्ट सेम है. और हाँ, और हम नजर लाइना से शुरू करते थे एंड मेरे को वो गाना वैष्णवी दी के लिए ही जमता है. कितने भी झगड़े हो, सबसे पहले मेरे पास भैया आता था. छोड़ देना वैशु. अच्छा मैं सॉरी बोल देता हूँ. उसको बोलती हूँ, वो हमेशा जब भी बोलती हूँ मेरे पैर दबा देता है. भैया मतलब अनोइंगली ना, वो जताता नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान भैया ही रखता है. और बाहर भी मेरे चेहरे से मुझे बोलते हैं अतुल की छोरी है ना, मतलब मेरे चेहरे से समझ में आता है कि मैं पापा की बेटी हूँ. तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के. बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे. बदरंग में सतरंगा
अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आंसू तो मत बहाओ ना। आपकी पापा। आपने मेरी और पापा एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोलना चाहिए बेटिया। इस धरती पर बोलना चाहिए बेटिया। नहीं होती है बेटिया।